हाय दोस्तों, हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो मैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th वाले अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय क्लास 9th के जो एडमिशन फॉर्म है वो आज के हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म भर के जमा करने की वो 30 अक्टूबर यहाँ पर डिसाइड की गई है। तो 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको एडमिशन फॉर्म भरना है। और एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम आप सभी का 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। अगले साल को 8 फरवरी 2025 में एग्जाम होने वाला है। काफ़ी कम समय है, लेकिन इस कम समय में आप सभी को नवोदय की बेहतरीन तैयारी कैसे करनी है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इस वीडियो का टॉपिक ये है, इस वीडियो में आप सभी को नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एकदम न्यू सिलेबस मिलने वाला है और जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा उतना ही आपको पढ़ना है और नवोदय की परीक्षा आप आसानी से पास कर पाओगे। कल हमारे चैनल पर एक बड़ा वीडियो अपलोड होगा नवोदय क्लास 9th की संपूर्ण जानकारी को लेकर, तो वो भी आपको देखना है। फिलहाल इस वीडियो में हम सिलेबस किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है और मैं सिलेबस में किन किन चैप्टर जो कौन कौन से चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही उस सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, तो हम देखते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको गूगल पर जाकर लिखना है अजय विद्या ज्ञान। आप देखेंगे मैं यहाँ पर अजय विद्या ज्ञान लिख रहा हूँ और लिखने के बाद आपको इसको सर्च कर देना है। अब इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे हर एक वीडियो के नीचे मिल जाता है। ये हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है अजय विद्या ज्ञान, तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है। नवोदय क्लास 9th का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना ही पड़ेगा और आपको जाना जरूर है क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम सटीक और सही सिलेबस मिलेगा। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे पहली बार तो आप देखोगे यहाँ पर खुलेगा आपको इस तरीके से, यहीं पर आपको मिलेगा ये मिल जाएगा JNV क्लास 9th एप्लीकेशन फॉर्म 2025, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ से हमको अलग चाहिए JNV क्लास 9th का सिलेबस, ये छोटे सा बॉक्स में दे रखा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर दे रखा है JNV सिलेबस क्लास 9th 2025, इसी वाले बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है और एक ऐड आएगा छोटा सा, उसको स्किप कर देना है और यहाँ पर मिलेगा नवोदय विद्यालय क्लास 9th सिलेबस 2025, एकदम न्यू और लेटेस्ट आपको सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे इस वेबसाइट पर, यहाँ देखोगे नवोदय विद्यालय क्लास 9th सिलेबस 2025 और यहीं पर आपको एक फ़ोटो मिलेगा, नवोदय विद्यालय परीक्षा कक्षा 9वीं न्यू सिलेबस, चैप्टर के नाम जान लो, ये जान लीजिए यही आता है पेपर में। तो 8 फरवरी को जो परीक्षा होगी आपको उन्हीं में इन चैप्टर्स का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे नवोदय विद्यालय क्लास 9th फुल सिलेबस 2025, थोड़ा सा नीचे आओगे यहीं पर आपको एग्जाम डेट देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि एग्जाम 8 फरवरी को होने वाला है और सिलेबस का PDF डाउनलोड बटन पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करता हूँ और सिंपल मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, फिर भी मैं डाउनलोड अगेन करके आपको ओपन करके इसको दिखाता हूँ कि कैसे कहाँ सिलेबस मिलेगा। तो यहाँ पर इस PDF में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आप देखेंगे कि आपके सामने ये प्रोस्पेक्ट खुल जाएगा जो नवोदय विद्यालय क्लास 9th का है। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट डेट फॉर्म भरने की 30 अक्टूबर है, डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट 8 फरवरी को एग्जाम है। इन सभी चीज़ों को साइड में करते हैं और हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस का ये वीडियो है। अब प्यारे बच्चों सिलेबस को आपको ध्यान से देखना है, पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता है, शायद जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा। देखिए इंग्लिश में आपके जो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी में भी आपके सेम 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश को मिला के हो गए हैं, ठीक है। बाकी 35-35 क्वेश्चन जो आएंगे आपके जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के आएंगे, आप देखोगे मैथ्स के 25 क्वेश्चन मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल साइंस के भी 35 आएंगे, टोटल ये दोनों को मिला के 70 क्वेश्चन ही हो गए और 15-15-30 क्वेश्चन ही हो गए। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 आएंगे और पूरी परीक्षा भी 100 नंबर की होगी, ठीक है। एक नंबर एक अंक का होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर 35 में से 35 आप मैथ में सही करके आओगे तो 35 नंबर मैथ में आपके पक्के हो जाएंगे, इंग्लिश में करके आओगे तो इसमें भी। तो जो इसमें हमारा हाईएस्ट स्कोरिंग जो बच्चे हाईएस्ट स्कोर करते हैं, मैं आपको बताऊं कहाँ से करते हैं, एक तो वो हिंदी में बहुत अच्छा करके आते हैं और मैथ में बहुत अच्छा कर लेते हैं और जनरल साइंस में। इन्हीं तीन ये जो आप देख रहे हो, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं इन्हीं पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो जितना आप जनरल साइंस में अच्छा करके आओगे और मैथ में आप तो ओवरऑल आप कर ही लोगे, इंग्लिश और हिंदी में भी आप कर ही लेते हो। आप मान के चलो कि 15 में से इंग्लिश में भी आप 9-10 नंबर लेके आ रहे हो और हिंदी में भी आप 13-14 या फिर 11-12 नंबर लेकर आ रहे हो। उसके बाद अगर 35 यानी कि मैथमेटिक्स में 30 से ऊपर आपका स्कोर है, अगर 30 भी नहीं है तो 28-29 भी है, तब भी आपका सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो इन तीन सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश करना चारों पे है, लेकिन ज़्यादा किस पे करना है, ज़्यादा जिस पे हमारे ज़्यादा नंबर है, मैथ्स पे 35 नंबर है और जनरल साइंस में भी 35 नंबर है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी तो एडमिशन फॉर्म आए हैं तो एक दो दिन में आपको सब चीज़ें पता चलती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू, बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अभी फिलहाल ये था हमारा एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा, अब हम जानते हैं कि भाई सिलेबस क्या है अच्छे तरीके से, जो आपको सिलेक्शन दिला सके अच्छा जो सिलेबस है। नवोदय विद्यालय समिति ने खुद वो सिलेबस जारी किया है, यहाँ पर आप देखोगे नवोदय विद्यालय समिति लेटेरियल एंट्री टेस्ट क्लास 9th 2025 सिलेबस फॉर द टेस्ट पेपर बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 8th, यानी कि
देखिए जो नवोदय क्लास 9 का पेपर होता है उसमें 8वीं का पूरा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहले आया था इंग्लिश, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 ही नंबर के वो होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला है हमारा जो इंग्लिश का जो चैप्टर, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप हमारी वेबसाइट अजय विद्याकेंद्र पर इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, और चाहे इसको आप एक नोट्स में बनाकर अपने सामने दीवार वगैरह पे कहीं पर भी चिपका लीजिए, जहाँ से आपको डेली दिखता रहे। तो इंग्लिश का हमारा पहला चैप्टर है कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब है कि वहाँ पर जैसे हिंदी में हमारा एक गद्यांश आता है बहुत सारे हिंदी के, ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आता है अनसीन पैसेज। आपको एक पैसेज दिया जाता है पूरा, एक मान लीजिए एक स्टोरी टाइप की दी जाती है इंग्लिश में, उसको पढ़ के आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो ये हमारा हो गया। सेकंड में हमारा वर्ड एंड सेंटेंस आते हैं, और तीसरे पे स्ट्रक्चर स्पेलिंग आती है, और फोर हमारा जो चैप्टर है रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा पैसिवेशन 5वां चैप्टर है, और 6 नंबर है यूज ऑफ डिग्रीज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये 6 नंबर चैप्टर हो गया। 7वां है मॉडल एक्चुअलरीज, इस पे आपको ध्यान रखना है, ये हमारा हो गया 7वां। यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, ये हमारा 8वां चैप्टर हो गया यूज ऑफ प्रेपोजिशंस वाला, और टेंस फॉर्म वाला ये हमारा 9वां हो गया, और 10वां जो हमारा लास्ट चैप्टर है हिंदी का रिपोर्टेड स्पीच का है। तो ये थे इंग्लिश का सिलेबस। थोड़ा सा आप नीचे करोगे यहाँ पर आपको मिलेगा हिंदी का। अब मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी में भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 15 नंबर के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा अब हिंदी का आ गया है। तो हिंदी में जो हमारा जो आप देखेंगे विषय, पहले हमारे काम में भी बहुत सारे चैप्टर हैं, भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरण कौशलताएं, इसमें वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द विवेक, स्रोत उत्पत्ति, पर्याय विलोम, पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह, ठीक है, और शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर है ना, पद भेद आ जाएगा, पद परिचय आ जाएगा, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना ये पूछा जाता है, वाक्य रचनात्मक। अब मैं इन सारी चीज़ों को आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कल वाली वीडियो में, तो आपको अच्छा लगेगा। कल हमारे चैनल पर वीडियो आ जाएगा नवोदय क्लास 9 का, लगभग 30 मिनट आधे घंटे का वीडियो होगा, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वो आप देखना मत भूलिएगा। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो हर बार पूछे जाते हैं। आपठित खा में आ जाता है हमारा आपठित बोधात्मक प्रश्न, इसका मतलब है कि आपको वहाँ पर आपठित गद्यांश दिए जाएंगे, उनको आपको पढ़कर आंसर करना है, क्लियर है। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। उसके बाद हमारा आ जाता है जनरल साइंस का। अब जनरल साइंस का हमारा 35 नंबर, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 नंबर के होते हैं, तो इसका सिलेबस भी थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का नाम हम डाल यहाँ पर देखेंगे आप, पहले चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये पहला चैप्टर हो गया हमारा। दूसरा है माइक्रोगैनिजम्स फ्रेंड एंड फॉर, है ना, ये दूसरा हो गया। कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमारा तीसरा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें हम LPG, CNG वगैरह सारी की सारी गैसों को, कोला वगैरह के बारे में, कोला कैसे बनता है, कहाँ निकलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कोला किस पदार्थ का है ना, और भी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 में आ जाता है हमारा कंबशन एंड फ्लेम, ये हमारा आ जाता है। और चैप्टर नंबर 5 में आ जाता है कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हम पौधे और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। 6 नंबर पे आता है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 है हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोल्ट स्किन्स, कौन सा शब्द दे रखा है, बस ठीक है आप यही दे रखा है। 8वां देखेंगे फोर्स एंड प्रेशर, ये हमारा बल एवं दाब, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9वां देखेंगे फ्रिक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट है। 7वां 10 साउंड के बारे में पढ़ेंगे, आवाज़ के बारे में, ये सारे इजी चैप्टर हैं लेकिन बारीकी से पढ़ना है हमको। इनके आगे भी बहुत सारे चैप्टर दिए, मतलब इनका नाम दिए गए हैं, कि अगर चैप्टर नंबर 11 हमारा देखेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, डू लिक्विड्स कंडक्ट, मतलब डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो लिक्विड वाले होते हैं वो उनमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, मतलब उनमें पार हो सकती है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। चैप्टर 12 है हमारा सम नेचुरल फोनोमेना, ओके। चैप्टर 13 है लाइट, और चैप्टर हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब देखते हैं हम अगला जो हमारा वो मैथमेटिक्स का है, यानी कि हम 3 जो सब्जेक्ट हैं वो कवर कर चुके हैं, हिंदी बोल दिया मैंने, इंग्लिश बोल दिया, और यहाँ पर आपका GK GS भी बोल दिया सामान्य ज्ञान, ओके जनरल साइंस। तो हमारा अब आता है 35 नंबर की हमारी मैथ पूछी जाती है। तो मैथ में कुछ ये चैप्टर्स हैं आप देखेंगे, मैथ का रेशनल नंबर पहला हमारा चैप्टर्स है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट हमारा सेकंड हो गया, तीसरा है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, क्लियर है,
और ये जो शुरू के जो तीन चैप्टर हैं ये काफ़ी स्कोरिंग नंबर हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई कई बार एक एक चैप्टर में से दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पाँचवा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोजिशंस। सिक्सवा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप जो सिक्स नंबर जो चैप्टर है इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें हमको प्रतिशत पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे और सिंपल पढ़ेंगे, डिस्काउंट सिंपल साधारण ब्याज वगैरह पढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और अगला है हमारा सातवां, जो कि बच्चों के दिमाग में घुसता नहीं है क्योंकि वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आठवां है हमारा लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और नौवां है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स ट्रेलर्स और यहाँ पर हमारा पैरालोमी, इनके नाम ही अलग अलग है, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, प्रेम का छात्र हूँ, लेकिन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग्स क्वाड्रिलेटर्स पैरालोग्राम रोहम्बस रिक्टेंगल रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, काइट पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, पतंग के बारे में, स्क्वायर के बारे में और एक रेक्टेंगल के बारे में है और ये हमारा रोम्बस के बारे में है, रोहम्बा ऐसे करके इसका प्रोनाम करना है आपको। दसवां है हमारा मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे आप और ए आगे देखेंगे यहाँ पर है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ये भी पढ़ेंगे और बी में भी यहाँ पर दे रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूबोर्ड्स एंड सिलेंडर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो चीज़ देख रहे हो ना आप सरफेस एंड ये आप देखोगे सरफेस एंड वॉल्यूम, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ये आपको बारीकी से पढ़ना है क्योंकि ये चीज़ कुछ नई है, सरफेस एंड एरिया नई नहीं है, मतलब है पुरानी लेकिन ध्यान से देखना है आपको, सरफेस एंड एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरे पास पेपर है, मैं वो भी करवाऊंगा आपको। डाटा हैंडलिंग बार ग्राफ पाई चार्ट ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है जो कुछ है ना। ये हो गया हमारा मैथ का सिलेबस, बाकी आपके जिले में कितनी सीटें हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। फिलहाल ये जो वीडियो था ये सिलेबस के ऊपर था, इसको आपको डाउनलोड कर लेना हमारी वेबसाइट से जाके और कल वाले वीडियो का वेट कीजिएगा क्योंकि कल मैं आपको सारी चीज़ें बारीकी से समझाऊंगा। आज जल्दी जल्दी में ये चीज़ें बताई हैं लेकिन मैंने फिर भी वीडियो में सारे चैप्टर्स के नाम लेने के कवर करने का ट्राई किया है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए प्यारे दोस्तों, और आपको जिस भी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।